फ्रीडम मीन्स टू मतलब हम अपने कहीं पे भी एक्सप्रेशंस को दिखा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और बाकी मस्ती वस्ती तो कर ही सकते हैं बट रूल्स के अंडर। फ्रीडम एग्जैक्टली मीन्स मतलब जो 75 साल पहले की जो डेफिनेशन थी फ्रीडम की, कि हमें जो हमारे इन्वेडर्स हैं मतलब जिन्होंने हम पे रूल किया इतने साल, उनसे हमको फ्रीडम चाहिए थी। हर एक के लिए फ्रीडम का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। अगर मेरे लिए बात करें तो हमारा एक पर्सनल लेवल पे फ्रीडम की डेफिनेशन अलग होगी, पर आज सोसाइटी के लिए फ्रीडम है कि जिन टॉपिक्स पे आज बात नहीं हो पा रही है उन टॉपिक्स पे बात हो, वो मेरे लिए फ्रीडम है। एक्चुअली फ्रीडम मीन्स कि हम अपने विचार कितने फ्रीली पेश कर सकते हैं किसी के सामने, कैसे बता सकते हैं। लाइक अगर आप ही खड़े हैं या मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं कितना फ्रीली आपको कह सकती हूँ मेरे विचार, तो दिस इज़ फ्रीडम आई थिंक। एंड फॉर मी इट्स हैप्पीनेस टू डू एनीथिंग, नोबडी कैन मतलब कोई तुम्हें रोके नहीं किसी भी चीज़ के लिए, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, स्पेशली फॉर स्टडीज एंड इन एवरीथिंग। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ी है, एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा गया है, फिर उधर भी है और एजुकेशन थोड़ा वो भी बढ़ा है। हमारे नेशन के जो अच्छे बदलाव आए हैं, एक तो इकोनॉमी बढ़ी है, देश के प्रति लोगों का रवैया अलग हुआ है, बहुत प्रेम करने लगे हैं। तीसरा, देश को पूरे विश्व में लोग जानने लगे हैं कि एक अच्छा देश है, और हर फील्ड में हमारे देश ने प्रोग्रेस करी है, कहीं पर स्लो कहीं पर तेज, लेकिन ग्राफ जो है बिल्कुल बढ़ता जा रहा है हमारे संस्थान का पिछले 10 सालों में, मेक इन इंडिया, डेवलप इंडिया। और सबसे बड़ी चीज़ जो ग्रांट्स गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए और कॉलेजेस के लिए रिसर्च के लिए आई है, उसका भी आउटकम बहुत अच्छा निकला। हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करें, जो भी हमारा कार्य है यदि हम ईमानदारी से कार्य करेंगे और बिल्कुल बिना बायस हुए किसी के भी प्रति, वो ही सबसे बड़ी देशभक्ति एक सामान्य नागरिक के लिए। बेसिकली इन डेली लाइफ मुझको ऐसा लगता है कि यदि हम अपना जो भी काम मिला है उसको यदि हम ईमानदारी से करें और इतनी लगन से करें कि आउटपुट बेस्ड बहुत 100% दिखे, वही मेरे लिए। The proud movement, that national anthem gives us goosebumps. ये सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी नहीं है जब हम लोग national anthem को सुन के एकदम excited हो जाते हैं। It's always maintained. Like ये कि मतलब एक देश प्रेम देशभक्त जाग जाता है, सबसे first feeling तो यही होती है। सभी तरह से किसी भी वे में अपने कंट्री और अपने इस पूरे भारतवर्ष को आगे ले जाने के लिए अब एक छोटे से छोटे लेवल पे क्या अपना योगदान हो सकता है, बस ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि एक ड्यूटी ये हो कि हैप्पीनेस फैक्टर हमारा अच्छा रहना चाहिए, हम खुश रहें। यदि हम खुश रहेंगे तो हमारे पूरे काम अच्छे होंगे, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और अल्टीमेटली ये खुशियाँ सब जगह फैलेगी तो एक माहौल पूरे देश का अच्छा होगा। थिंक कैसे कहूँ, ये कोई बयां करने वाली फील ही नहीं है, लाइक दिस इज द बेस्ट फीलिंग। रिस्पेक्ट सबसे पहले से देख के फीलिंग आती है कि रिस्पेक्ट। जब हमारा भारत माता का झंडा फहराता है तो दो तरह की फीलिंग्स मेरे में आती है, एक तो गौरवान्वित महसूस होता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ और हमारी भारत माता का झंडा लहराता है, और दूसरी फीलिंग ये भी रहती है कि हम उन शहीदों को भी याद करते हैं तो आंखें थोड़ी सी नम भी रहती है कि उन शहीदों की बलिदान, जो उन शहीदों ने अपने खून पसीने से ये हमें जो आज़ादी दिलाई है उसका भी एहसास होता है। तो दोनों तरह की फीलिंग मेरे पास इस तरह। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, जय हिंद जय भारत, मेरा भारत महान, मेरा SGCITS महान।